आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर फैसला सुनाने के विरोध में किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बंद को सपोर्ट दिया है। राजस्थान के SC/ST समूहों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी बड़ी तैयारियां की हैं और सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का तनाव न हो इसके लिए पुलिस ने बड़ी तैयारियां और आदेश दिए हैं। भारत बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश को खास तौर पर संवेदनशील माना गया है और यहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रदर्शन को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लीड किया जा रहा है। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर ही सब कैटेगरी बनाने की इजाजत दी गई थी और इनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी है जिन्हें आरक्षण की वाकई जरूरत है। अब इस प्रदर्शन का मकसद इस फैसले का विरोध जताना है ताकि इसे वापस लिया जा सके। अब हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि भारत बंद 2024 में क्या क्या खुला रहेगा। आपातकालीन सेवाएं, बुधवार को भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज सुचारू तौर पर काम करती रहेंगी। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रहेंगी। देश भर में दवाइयों की दुकान भी खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल, कॉलेज भी आम दिनों की तरह ही खुले रहेंगे और यह कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेगा। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन आशंका है कि भारत बंद का असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ सकता है। इसके अलावा निजी दफ्तर और कुछ जगहों पर बाजार भी बंद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।